स्कूल सिस्टम खना डाक बाद का, सर्वे किया। सर्वे का मकसद प्राइवेट स्कूल के मसायल अका पहुंचाना और स्कूल का तालीमी मैार था टीम ने न्यू एरा स्कूल सिस्टम का विजिट किया और महसूस किया के कि प्राइवेट स्कूल गोर्नमेंट के शाना बिशाना काम कर रहे हैं टीम की मुलाकात स्कूल के स्टाफ और तलबात से हुई तालीम याफ्ता और बालाक स्टाफ कंप्यूटर लैब वसी प्ले ग्राउंड स्कूल की पहचान है सफाई और एसओ पी का खास ख्याल रखा जाता है आखिर में टीम के इंचार्ज शेख मोहम्मद नवाज की मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल सगीर अहमद जंजुआ से हुई उन्होंने तर्जमान मिलत न्यूज को बताया मुबा सुल्तान तर्जमान मिलत न्यूज इस्लामाबाद जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम वाईक वरह वर्क आपका नाम भाई सगीर अहमद जंजूआ स्कूल का नाम न्यू इरा स्कूल सिस्टम कितना अच्छा हो गया को अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हमने स्टार्ट किया था मार्च दो हज़ार चौदह में और आज तकरीबन सात साल हो गए हैं हम स्कूल को स्टार्ट किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है एक अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है तो बिल्डिंग रखती है आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की अता है अल्लाह ताला की कर्म नवाजी है बिल्डिंग स्कूल की हमारी अपनी है तो किस तरह शौक़ हुआ इस में, आपकी? बस कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं कुछ ए, इस टाइम वक्त ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को एजुकेशन की, की तरफ देखने का और उनका उनको देखने का वो बच्चे क्या कर रहे हैं इसके इसी मकसद के लिए हमने कोशिश की है कि बच्चों को स्कूल में मैक्सिमम काम करवाया जाए और बच्चों को तालीम के साथ साथ बच्चों को अदब और बच्चों की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उस पर भी हम फो, बेसिक फोकस कर रहे हैं और पेरेंट्स को ऑन बोर्ड रख के हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं अच्छा मेरे भी ये बताएँ कि सबका लॉकडाउन में क्या सूरतें आ रही है स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की देखिए जो प्राइवेट सेक्टर था और ख़ास एजुकेशन का जो सेक्टर था वो आलमोस्ट तबाह हो चुका है यहाँ हमारे सरोडिंग में या इस्लामाबाद रीजन में जो रूरल एरिया थे वहाँ पे मेरे ख़्याल में 40 टू तो 50 परसेंट स्कूल जो, जो जिनकी बिल्डिंग रेंट पे थी वो बंद हो चुके हैं और हुकूमत की तरफ से उन स्कूल्स को या इस तरह के कोई सपोर्ट नहीं मिली है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके जो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है जो गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा था वो आई स्कूल से निकल के वो वो तो वर्कशॉप में चला गया है या तो वो टेलर बन गया है या वो ऐसे इस तरह तालीम से इतना दूर हुआ है कि वापस तालीम में आ ही नहीं सका है तो गवर्नमेंट ने कोई तावन किया साथ उस दौरान? देखें बातों की हद तक तो बहुत तो तामन था और दूसरा जो जिस तरह उन्होंने कर्ज़ों के लिए कहा था वो बातों की हद तक या पेपर न्यूज़ तक तो वो बहुत अच्छा था लेकिन प्रैक्टिकली मेरे में मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी को भी किसी भी स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा तावन या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट मिली हो कि वो वहाँ पे स्टैंड कर सकता क्या चाहिए था गवर्नमेंट को देखें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है हमारे पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम सालाना पे करते हैं वो उसको चाहिए था कि जो स्कूल्स कम लागत वाले हैं या छोटे स्कूल्स हैं उनको बे बे बिला सूद कर्ज़े दे, देते या उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो माफ़ करते उन बच्चों उन स्कूल्स के लिए कोई ऐसा हुकूमत तरतीब देती कि वो बंद नहीं होते उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी मुल्क को हुआ है हमारे मुल्क की जो गरीब आवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है बड़े स्कूल की ए, ए, फीस को और बाकी चीज़ों को जो, तो जो, जो वहाँ पे छोटे स्कूल वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं कहाँ तक क्लासेज हमारा जो स्कूल्स है वो हम पहले एट तक पढ़ा रहे थे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाइन टेंथ स्टार्ट की है और इन अब एफिलेशन की तरफ जा रहे हैं स्कूल की और इन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको इस साल हम स्कूल को एफिलेटेड करवा लें विद फेडरल बोर्ड तो क्या क्या है है रिजर्व अलहमद लाला स्कूल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ हमारा बेसिक जो विजन है वो एजुकेशन को प्रोवाइड करना है विद मिनिममेरेसोर्स के साथ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमने टीचर्स हायर की हुई हैं जो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हम हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छा तालीम दें और जितने भी यहाँ से बच्चे स्कूल से यहाँ से निकले वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें बाकी स्कूल के साथ कम्पीट कर सकें और अलहमद लाला यहाँ से अगर कोई बच्चा गया भी है और कहीं भी उसने टेस्ट दिया है अलहमद लाला उस बच्चे ने वहाँ पर उसको पास किया है और वहाँ पर वो सिलेक्ट हुआ है जो मुझे सबसे मेरे लिए एक ऑनर की बात है और मेरे लिए खुशी की बात होती है और लास्ट ईयर भी हमारा जो फिफ्थ का रिज़ल्ट हुआ है वो हंड्रेड परसेंट हुआ है और अलहमद वो भी एट्टी परसेंट प्लस बच्चों के मार्क्स आए हैं اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صلى okay. <سلام> الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا हबीबल्ला न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा वो मजाज मुहम्मद की तलियों में देखा सल्लल्लाहु क्या रसूल्ला असलमले कया हबी बल्ला हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए शाह उबै दिर दर पे फिरे कब तक शाह उबै दिर दर पे फिरे कब तक इस का मदीना मकाम हो जाए सलाम के लिए हादिर गुलाम हो जाए उबैद मर के मदीने में पा चुका है बकी उबैद मर के मदीने में पा चुका है बकी खबर वतन में कभी तो खबर वतन में कभी तो ये आम हो जाए सलाम के लिए हादिर गुलाम हो जाए हुज़ूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए